हमारी अभी मीटिंग है और हम वो मीटिंग तमाम वकला की जो है वो हमने बुलाई हुई है और उसमें हमारी स्ट्रेटजी बनेगी और इंशाल्लाह ताला ये जलसा गाह की तरफ हम मूव करेंगे। ये जितने रखने डाल लें, ये जितने बहाने बना लें, सिक्योरिटी के बहाने बना लें, दहशतगर्दी के बहाने बना लें, सिर्फ बहाने पाकिस्तान तरीक इंसाफ के लिए। कोई जलसा आकर करता है, कोई धरना आकर देता है, उसके ऊपर कोई किसी हमारे अलावा किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई शैलिंग नहीं है, कोई पथराव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी को कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए है। तो हम इंशाल्लाह ताला हमें गोलियां चलाते हैं, हम इंशाल्लाह गोलियां खाएंगे। अगर हमें लाठी चार्ज करते हैं, हम वो खाएंगे। अगर वो कोई रुकावट डालते हैं तो हम रुकावटें हटाएंगे और रुकावटें हटा के इंशाल्लाह ताला हम ग्राउंड में पहुँचेंगे। हम आज जो है जाकर जायज़ा लेंगे, अपना कंटेनर वगैरह वहाँ पर लगाएंगे। अगर किसी ने कंटेनर रोकने की कोशिश की या ना लगाने की कोशिश, तो देन कंटेनर जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा, ये फिर उस वक्त मौके के मुताबिक देखा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये जलसा नाकाम हो जाता है तो क्या इफ़ेक्ट होगा? क्योंकि लास्टली हमने देखा था कारकुनान ने बहुत गुस्से का इजहार किया था रोड्स के ऊपर, जहाँ जहाँ कारवान काफले रस्तों में थे। तो अगर इस मरतबा भी आप कैंसिल करवा बैठते हैं और इंतज़ामिया के हाथों यरगमाल हो जाता है ये जलसा, तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का फ्यूचर क्या है? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो फ्यूचर है ना, वो तो ब्राइट है, लेकिन जो माफिया इस वक्त मुल्क के अंदर नाफिज है, उनका फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे कि आवाम जो है वो समंदर की तरह जो है वो निकलेगी और ये जो समंदर है इनको बहा ले जाएगा, हर शहर से, हर गांव से, हर महल्ले से, हर ज़िले से, हर तहसील से, हर जो है वो मेन हेड ऑफिस से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। और सिर्फ पंजाब नहीं, KPK आ रहा है, इसके अलावा सिंध से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं और तमाम काफलों के साथ आ रहे हैं। हमने अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो बेशक जितनी मर्जी गिरफ्तारियाँ करें, इस दफ़ा लोगों के हौसले बहुत बुलंद हैं। आपकी बार NOC कैंसिल हो गया तो क्या अमल दरामद इंतज़ामिया के मुताबिक करेंगे या खान साहब की हदायत कोई मुख्तलिफ हैं? देखिए, खान साहब की हदायत क्या होगी, हदायत देखें हमारा फ़र्ज़ है और हम अपने मुताबिक फ़ैसला करेंगे और जलसा हमारा हक है, हम करेंगे। खान साहब ने थोड़ी कहना है कि जनाब आप इस तरह से करें या उस तरह से करें, ये हमारे हर एक पे फ़र्ज़ है, हमारे हर एक के ऊपर ड्यूटी है। और खान साहब की रिहाई के लिए जलसा है, ये मोबिलाइजेशन जो कर रहे हैं हम, खान साहब की रिहाई, हमारे वर्कर्स की रिहाई, हमारे जितने भी जो है वो लीडरशिप जो है उनकी रिहाई और मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती की।